नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रूस के लिए आज का दिन बेहद खास है। इस दिन को रूस के इतिहास में भी पढ़ा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि पुतिन अब 2036 तक के लिए रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ पर रूस को बधाई दी। इसके साथ ही पुतिन को 2036 तक के लिए राष्ट्रपति चुने जाने की भी बधाई दी। आपको बता दें कि ऐसा संविधान में संशोधन के बाद हुआ है। रूस में पिछले दिनों इसके लिए वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे अब आ गए हैं। इस बीच रूस ने कहा है कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। चीन से गतिरोध के बीच पुतिन का ये बयान काफ़ी अहम है। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। पुतिन ने इस बात को भी दोहराया कि सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेष अधिकार रणनीतिक साझेदारी को निभाने के लिए रूस प्रतिबद्ध है। चीन से गतिरोध के बीच रूस से भारत को जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है। भारत और रूस के बीच 2018 में दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील $5 अरब यानी कि 40,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई थी। भारत ने इसकी 5 यूनिट खरीदने का करार किया है। इसके अलावा भारत रूस से 31 फाइटर जेट भी खरीद रहा है। भारत ने T-19 टैंक के महत्वपूर्ण कलपुर्जों को लेकर भी रूस से बात की है। रूस में हुई हालिया वोटिंग व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई। व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक सत्ता में काबिज रह सकेंगे। वहां की जनता ने इस संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।